फ्रेंड्स, अमेंडमेंट बिल पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतने सेंसिटिव मैटर को आज आपने सदन में लाके सबके सहमति के साथ जरूर ये बिल अच्छी तरह से हम पास कर पाएंगे। जो बिल में लिखा हुआ है उसमें मैं जो मेरे पूर्व जब जो सब स्पीकर बात कर चुके हैं वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 2016 में 36,000 केसेस पूरे देश में पॉक्सो के अंडर रजिस्टर हुई थी और अकेले महाराष्ट्र में 4,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुई। और यहाँ हम चर्चा करते हैं कि आजकल बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन आजकल लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गई है तो लोग जा करके कंप्लेन करते हैं, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, जिसकी वजह से शायद ये आंकड़े हमको बढ़े हुए नजर आते हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि आज जहाँ सारे पक्ष के लोग जब बात कर रहे हैं सब ये कहते हैं कि समाज की मेंटालिटी बदलने की जरूरत है, तो मेंटालिटी बदलने की शुरुआत हम कहीं ना कहीं हम खुद से करें, ये भी बहुत आवश्यक है। जब ऐसे मुद्दे चर्चा में आते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि महिलाएं इस पे बात करें। क्यों भाई, ये महिलाओं का मैटर होना जरूरी है? क्या बच्चा, जब एक बच्चा ऐसी कोई सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार बनता है तो सिर्फ उसकी माँ उससे प्रभावित होती है? क्या उसके पिताजी उससे प्रभावित नहीं होते हैं इस घटना से? तो क्यों नहीं बात करनी चाहिए? आज अगर आप देखेंगे संसद में भी तो जितने लोगों ने बात करी है, मुझे लगता है जिस पार्टी में कोई महिला प्रतिनिधि है ही नहीं उसमें से ज्यादा पुरुषों ने बात करी होगी आज। और भारतीय जनता पार्टी की संख्या बहुत ज्यादा है तो हमारी पार्टी से कोई पुरुष बात करे तो बहुत अच्छी सराहनीय बात है, लेकिन पुरुषों ने भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जब तक हम अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेंगे हम समाज के लिए कुछ न कुछ उदाहरण कैसे रख पाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से यहाँ ये कहना चाहती हूँ। उसके साथ ही कुछ बातें ये राजनीति से परे होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं कोई भी राज्य में घटती हैं तो उस राज्य में किस पक्ष की सरकार है, जो गुनाह करता है वो इंसान कौन सी पार्टी से लेना देना रखता है या जो विक्टिम है वो कौन सी पार्टी से लेना देना रखता है, इसको देखना नहीं चाहिए। उनकी जाति को, उनके धर्म को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि विक्टिम की एक ही जात होती है और वो विक्टिम होता है, और जो ये ऑफेंस करता है वो क्रिमिनल की जाति का होता है। इसके अलावा आजकल हर स्टेट में, और मैं महाराष्ट्र को खास करके बोलना चाहूंगी, कि कोई भी अगर घटना घटती है तो उसको लोग जो है वो जाति का स्वरूप देने की कोशिश करते हैं, फिर विक्टिम के जात वाले सब एकत्र हो करके उसका बड़ा आक्रोश आंदोलन करते हैं। मुझे लगता है इसमें जाति धर्म को ना लाते हुए केवल जो सफर कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की जो भावना है उसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये मंत्री जी से इस बात में स्पष्टता चाहूंगी कि हम इस बिल को जरूर जेंडर न्यूट्रल बता रहे हैं, पर जब लड़कों का सवाल आता है, जब विक्टिम लड़के होते हैं तो उनकी जो जांच है या उनका जो मेडिकल चेकअप का प्रोटोकॉल है उसके बारे में अधिक स्पष्टता अगर इस माध्यम से मिलेगी तो लोगों को उसको इंप्लीमेंट करने में जरा सुविधा होगी। अगर मैडम उसके थोड़ी रोशनी डाल पाए तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये बात जरूर जानना चाहूंगी। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जरूर विचार होना चाहिए। वो रिहैबिलिटेशन मॉनिटरी नहीं बोल रही हूँ, पर जब बच्चे इस मानसिक ट्रॉमा से गुजरते हैं तो उनको जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जिनके लिए अब्रॉड आप देखते हैं कि सपोर्ट ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, क्या हम बच्चों के लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं जहाँ पे जो एनजीओज हैं या कुछ वॉलेंटियर्स हैं जो आगे आके बच्चों को मानसिक उनका संतुलन वापस लाने में मदद कर सके? तो इसके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। और कुछ बातों के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो डर्मेटोलॉजी, रेपरोलॉजी और वेनेरियोलॉजी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में हम डील करते हैं। तो जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी तब छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते थे कि उनको ऐसे कोई बीमारियां हैं कि जो आप सोचते हैं कि इनको ये बीमारी कैसे हो गई, तो तब जाके कहीं पता चलता है कि शायद ये असॉल्ट का केस हो सकता है। तो जब ऐसे बच्चे सफर कर रहे हैं तो उनको जो बीमारियां होती हैं उनके बीमारियों से उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, और शायद ऐसी चीज़ों में जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी होती हैं, तो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच प्रेगनेंसीज, इनके बारे में कुछ सोच अगर सरकार रख पाएगी
तो वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम होगा। इसके अलावा मैं आईपीसी और पॉक्सो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मैडम से पूछना चाहूंगी कि आईपीसी के तहत अगर आप चिल्ड्रन का डेफिनेशन करते हैं तो वो 15 साल की उम्र का है और पॉक्सो में वो 18 साल की उम्र का तय किया गया है, तो अगर 15 से 18 के बीच के बच्चों के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनको हम ट्रायल कौन से इसमें चलेगा, उनका आईपीसी में चलेगा या पॉक्सो में ही चलेगा, तो इसके बारे में ऑन द स्पॉट क्लैरिफिकेशन मिनिस्टर से मुझे मिल चुका है तो वो पॉक्सो में ही चलेगा, ये अच्छी बात है। मैं जैसे इन सारी चीजों के साथ मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति जी जैसी टीम के साथ हमारे देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल तो निश्चित ही है, लेकिन इस बिल के साथ और ऐसी हर नई पहल के साथ अपने देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित भी हम बनाते हैं साथ मिलके। मैडम एक बहुत लोकप्रिय गाना है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। ऐसे जब बच्चे कहते हैं तो किस्मत को बस में करेंगे क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर कम से कम उनका बचपन जो है वो बेदाग और पाक रहे इतनी कोशिश तो हम जरूर इस बिल के तहत कर सकते हैं, और इसलिए इस बिल का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ और फिर एक बार मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।